थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, जो कि जाना जाता है उसकी स्ट्रीट लाइफ के लिए और उसके जो कल्चरल लैंडमार्क्स हैं उसके लिए, और साथ ही साथ ये अपने डिस्ट्रिक्ट्स के रेड लाइट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कैपिटल के साथ साथ ये एक पॉपुलर सिटी भी है थाईलैंड की, जहाँ पे हर एक इंसान आना पसंद करता है और प्रेफर करता है। और हम भी आ गए हैं बैंकॉक, जिसको थाई में बोला जाता है क्रुंग थेप महानाखोन। चलिए फिर आप भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अंशिका एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ एट देयर प्लेस। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ आवर थाईलैंड सीरीज, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बैंकॉक जाने का, सिर्फ बैंकॉक जाने का, तो आप लोग कैसे विजिट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम दिल्ली, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, और टॉप 10 प्लेसेस कौन कौन सी है थाईलैंड विजिट करने के लिए, और आई शुड से बैंकॉक विजिट करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है कि अगर आप लोग बैंकॉक विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपके लिए यूजफुल हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो दिल्ली से बैंकॉक तक का डिस्टेंस है दैट इज 4,277 किलोमीटर्स, और अगर हम लोग बाय फ्लाइट जाते हैं दैट टू डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब बीच में कोई स्टॉपेज वगैरह नहीं है, डायरेक्ट बैंकॉक के लिए फ्लाइट है, सो दैट टेक्स 3 hours and 55 minutes। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो जाती हैं बैंकॉक, सो बैंकॉक की 3 मेजर डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। एक हो गया हमारा विस्तारा, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, दूसरा हो गया हमारा गो एयरवेज, गो फर्स्ट, और तीसरा हमारा हो गया थाई एयरवेज। तो ये जो 3 है ये डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली से बैंकॉक जाती है। आई वुड से कि अगर आप लोग जाना प्रेफर करते हैं बाय डायरेक्ट फ्लाइट, तो विस्तारा इज द बेस्ट ऑप्शन। इंडिगो की भी ऑप्शन मिलती है, लेकिन आई गेस उसमें 1 स्टॉप अवेलेबल है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और हो सके तो थाई एयरवेज में मत जाइएगा, क्योंकि कहीं पे भी आप देखेंगे तो थाई एयरवेज के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बैड रिव्यूज है। सो डोंट प्रेफर गोइंग इन थाई एयरवेज, यू कैन प्रेफर गोइंग इन विस्तारा और गो फर्स्ट। अदरवाइज अगर आपको स्टॉपेजेस लेने में दिक्कत नहीं है, लेओवर्स लेने में दिक्कत नहीं है, तो यू कैन ऑफकोर्स गो फॉर लेओवर वाली फ्लाइट्स एज वेल। वट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, अभी एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है इनकी फ्लाइट्स का फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी इस टाइम पे कितना ज़्यादा प्राइजेस हाइक पे है या कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज मेक माई ट्रिप पे विजिट करके वहाँ पे आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे आपको 2023 जुलाई तक के सारे डेट्स मिल जाएंगे अवेलेबल, तो आप उस पर ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो जब भी थोड़ा सा चीपर पड़े आप तब की बुक करा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, सो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट बैंकॉक। टाइम वुड बी दिसंबर टू मार्च, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू मार्च वुड बी द बेस्ट टाइम अगर आप लोग बीचेस और आइलैंड देखना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं बेस्ट टाइम में, तो इट्स बिटवीन लेट नवंबर टू अर्ली दिसंबर, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम एंड यू कैन प्लान टू गो टू बैंकॉक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू बैंकॉक। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट होता है हमारी टिकट्स। तो दिल्ली से बैंकॉक और बैंकॉक से दिल्ली, यानी कि आपके टू एंड फ्रो की दोनों टिकट्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप अपने टिकट्स अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप लोगों की वैक्सीनेशन डन है, लाइक दोनों डोजेस फुली वैक्सीनेटेड हैं अगर आप, तो आपकी कोविड सर्टिफिकेट चलेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और एल्स अगर आपकी दोनों जो डोजेज है वो पूरी नहीं हुई हुई है, तो वॉट यू कैन डू इज आप लोग RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं, लेकिन RT-PCR आपका होना चाहिए 48 hours पहले, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं, और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया। थर्ड आ जाता है हमारे होटल की बुकिंग्स। तो सारे होटल्स की बुकिंग आप ना भी लेकर जाएं तो चलेगा, एक
बार के लिए रिस्क ना लेना चाहें तो आप सारी रख लीजिएगा, अदरवाइज आपको मेजरली जो चाहिए होता है, जो आपके पहले होटल की बुकिंग होती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको दिखाना होता है. तो दिस इज़ द थर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर. फोर्थ अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ एयर सुविधा, जो आपको बैंकॉक से जब आप दिल्ली वापस आते हैं देन दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इंडिया का है. तो इंडिया में अगर आप इंटरनेशनल विजिट के बाद कहीं से भी वापस आते हैं सो यू नीड एयर सुविधा विद यू, क्योंकि वो आपसे चेक इन के टाइम पे भी मांगते हैं और वापसी में जब इमिग्रेशन वगैरह होता है तो भी वो चेक होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल है. तो पहले ही होता था बिफोर कोविड कि वहाँ पे दो क्यूज होती थी, विच वॉज फॉर 2,000 and 2,200. सो 2,000 वॉज द प्राइमरी वन एंड 2,200 वॉज द एग्जीक्यूटिव वन, आप इसको ऐसे कह लीजिए. क्योंकि 2,000 में मतलब नॉर्मल क्यू होती थी जहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती थी एंड यू हैव टू वेट, लेकिन 2,200 में ये होता था कि आप 200 बात एक्स्ट्रा पे करो एंड उससे आपका जो नंबर है वो जल्दी आ जाएगा वीज़ा में. लेकिन जब हम लोग गए थे वहाँ पे जो 2000 वाली लाइन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ सिर्फ 2,200 रुपीज़ ही हर एक पर्सन से चार्ज किया जा रहा था. अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि अब रूल्स और बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे, तो आप वहाँ जाके एक बार कर सकते हैं कन्फर्म. बट येस, 2,200 तो आप समझ के रखिए कि आपको पे करना ही होगा पर पर्सन. दूसरी चीज, क्योंकि आप लोग वीजा ऑन अराइवल कर रहे हैं तो कभी कभार ये होता है कि आपको फॉर्म लेना नहीं है, या ये होता है कि चलो फॉर्म घर से डाउनलोड करके चले जाते हैं, फिल करके चले जाते हैं, वहां सिर्फ आपको पेमेंट करनी होगी, फॉर्म देना होगा एंड दैट विल बी सॉर्टेड आउट. तो आप ये भी कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फॉर्म्स का बताया था कि आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से आपकी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी होंगी, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा. और वहाँ पे आपको जो लिंक मैंने आपको दिखाया है, इमिग्रेशन लिंक, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जाने से एक दिन पहले उसका प्रिंटआउट निकाल के उसकी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा. और नेक्स्ट डे जब आपका इमिग्रेशन हो रहा होगा, वीज़ा हो रहा होगा, तो आप इजीली उसको वहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए जो आपको चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट दिस वीडियो इज़ एक्चुअली बीइंग यूजफुल फॉर यू गाइज, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अगर मैं पूरे प्रोसेस की, जो हमारा दिल्ली से बैंकॉक तक का जो एंट्री का प्रोसेस होता है, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, चेक इन का हो, तो हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जब हम दिल्ली के एयरपोर्ट पे होते हैं. तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम लोग चेक इन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वो है हमारा पासपोर्ट ऑफकोर्स, दूसरा होता है हमारा टिकट, जो हमारी टू टिकट है, यानी कि दिल्ली से बैंकॉक की जो टिकट है वो चेक होती है, तीसरा हमारा चेक होता है हमारा कोविड रिपोर्ट. एंड ऑप्शनल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट क्योंकि आप लोग अपना होटल बुकिंग अपने साथ रख रहे हैं तो वो भी एक बार के लिए चेक हो सकता है, तो अपने साथ जरूर रखिएगा. तो ये हमारा होता है चेक इन प्रोसेस. तो फिर जब आप लगेज दे देते हैं, आपको मिलता है अपना बोर्डिंग पास. तो बोर्डिंग पास लेकर आप जाते हैं अपने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में फॉर इमिग्रेशन. अब इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो आपका पासपोर्ट चेक होता है, समटाइम्स आपकी जो फ्लाइट होती है वो चेक होती है. हमारी नहीं हुई थी, हमारा पासपोर्ट चेक हुआ था और हमारी कोविड रिपोर्ट चेक हुई थी. तो हो सकता है आपके भी ये चेक हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी बुकिंग जो वो है, फ्लाइट है, फ्लाइट की टिकट है, वो चेक हो सकता है, अदरवाइज बोर्डिंग पास तो चेक होता ही है. एक बार जब बोर्डिंग पास आ जाता है तो फ्लाइट की टिकट की जरूरत नहीं पड़ती. तो आपका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और आपकी कोविड रिपोर्ट, ये तीन चीज़ें हैं जो मेजरली चेक होती हैं. एंड उसके बाद फिर आपका सिक्योरिटी चेक इन होने लग जाता है, जहाँ पे अपना लगेज रख देते हैं, वॉच और फोन्स वगैरह रख के फिर आपका चेक इन होता है, स्टैम्प लगता है आपके पास पे, तो वो करके आप लोग पहुँच जाते हैं आप लोग अपने गेट पे. तो गेट पे पहुंचने के बाद यू सिट इन योर फ्लाइट और फ्लाइट टेक ऑफ करती है, 3 घंटे 55 मिनट बाद वो आपको पहुंचाती है बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट.
स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, तो वहाँ आपको पहुँचाती है और उसके बाद आप निकलते हैं अपने फ्लाइट से। फ्लाइट से निकलने के बाद आपका सबसे पहला प्लान होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन से पहले फ्लाइट के अंदर आपको एक ऐसी पर्ची सी मिलती है, मेरे पास वो पर्ची की फ़ोटो नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक पर्ची मिलती है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप जॉब, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है और आपकी सैलरी कितने अमाउंट के बीच में आती है, एंड यू हैव टू साइन। तो एक छोटा पेपर होता है उसमें अटैच्ड, एक बड़ा रेक्टेंगल होता है और एक स्क्वायर पेपर होता है। जो स्क्वायर पेपर होता है वो आप अपने साथ लेकर जाते हैं, और जो वो बड़े वाला पेपर होता है वो एयर होस्टेस खुद ही ले लेते हैं, या फिर आप आगे जब जाते हैं, जब आप एंट्री करते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो आपसे ले लेते हैं वो बड़े वाला पर्ची। जो छोटे वाला पर्ची होता है वो आपको अपने पास संभाल के रखना होता है, क्योंकि उसके बाद आप जाते हैं इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपका इमिग्रेशन में आपका वीज़ा मिलता है आपको सबसे पहले। तो वीज़ा फॉर्म अगर आप डाउनलोड करके गए हैं तो आप सिर्फ दिखाते हैं कि हमारा ये वीज़ा है। उसके साथ आपके जो बैंकॉक से वापसी की टिकट है, अगर आपके बैंकॉक से थाईलैंड सॉरी दिल्ली की टिकट है तो आप वो दिखाते हैं, और साथ में जो आपके पहले होटल की बुकिंग है आप वो दिखाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आप दिखाते हैं। आपका बोर्डिंग पास भी चेक नहीं होता, इसमें आपका पासपोर्ट चेक होता है। सो योर पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, योर होटल बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड, योर फ्रो टिकट इज़ रिक्वायर्ड, यानी बैंकॉक से वापसी की जहाँ की भी टिकट है वो रिक्वायर्ड है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपके वीज़ा के लिए यूज़ होती है। फिर वहाँ पे आप लोग पे करते हो 2200 baht पर पर्सन। तो जैसे हम लोग तीन लोग थे तो वी पेड 6600 baht फॉर थ्री पीपल। फिर उसके बाद हमने वो पर्ची भी दिखाई थी, जो वो स्क्वायर वाली पर्ची हमें फ्लाइट में मिली थी, वो हमने शो करी थी वहाँ पे। तो वो शो करने के बाद हम लोग गए थे वीज़ा सेंटर पे, जहाँ पे एक्चुअली हमने पे किया था, क्योंकि पहले तो सिर्फ आपके फॉर्म्स चेक होते हैं, दूसरी बारी में आपके आपसे अमाउंट लिया जाता है और आपका पासपोर्ट लिया जाता है, एंड वो छोटी सी पर्ची ली जाती है। तो उसके बाद दे आस्क यू टू वेट फॉर सम टाइम। वेट करने के बाद हम लोग आगे जाते हैं, जब हमें वो पर्ची वगैरह सब कुछ वापस मिल जाता है, तो आगे जाके फिर हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में हमारा पासपोर्ट चेक होता है, और उसे कहते हैं क्योंकि वो छोटी वाली स्लिप होती है तो वो चेक होता है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग फाइनली हमारे पहुंच जाते हैं लगेज लेने में, तो लगेज लेकर हम लोग चले जाते हैं हमारे होटल। तो मैं आपको बताऊं तो एयर सुविधा आपको चाहिए होगा जब आप लोग वापस बैंकॉक से दिल्ली आ रहे होंगे, तब। एयरपोर्ट से आप लोग अपने होटल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो जब आप लोग एग्जिट करते हैं तो वहां पे आपको काफी सारे काउंटर्स मिलेंगे अंडर द नेम शटल, मिनी बस और टैक्सीज। तो वहां पे आपको कई टाइप की टैक्सीज मिलती हैं। सो वन मेजर इज द मीटर टैक्सी, जो एक्चुअली लोग लेना प्रेफर करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका होटल जहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग वो मीटर के हिसाब से चलती है टैक्सी, और आपको उतना ही वहाँ पे करना होता है। सो फॉर एग्जांपल हमारा होटल था रामरैंड होटल, तो रामरैंड होटल तक पहुँचने के इट टुक अस 500 baht अकॉर्डिंग टू अ मीटर टैक्सी। सो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, और उसके शायद प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होते होंगे, डिफरेंट होते होंगे, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम लोग अपने होटल तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑल्सो एक और ऑप्शन है कि आप लोग बसेस ले सकते हैं, वहाँ पे बसेस भी मिलती हैं आपको, जो थोड़ा सा टैक्सी से कम प्राइस में मिल जाता है, जहाँ से आप इजीली अपने होटल तक का। एक तो हमारा हो गया बाय टैक्सी कि हम लोग टैक्सी से जा सकते हैं, दूसरा वहाँ पे आपको उस एयरपोर्ट पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाती है मेट्रो की, तो वहाँ पे आपको मेट्रो फैसिलिटी मिलती है, आप मेट्रो से भी अपने होटल तक जा सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि उसका कौन सा मेट्रो स्टेशन है और वो कितना दूर पड़ता है उस स्टेशन से। सो यू कैन जस्ट टेक अ मेट्रो, और मेट्रो विल बी द चीपर फेयर एज कम्पेयर टू द टैक्सी। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन बैंकॉक। नंबर 10th पे आता है हमारा वाट अरुण। तो वाट अरुण जो है वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि बैंकॉक याई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि थाईलैंड के बेस्ट नोन लैंडमार्क्स में से एक है। इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक के हैं,
अगर मैं बात करूं कि हमारा कितना फेयर लगा था, तो रामब्रांड से वाटरन जो है दैट इज़ अराउंड 17 किलोमीटर्स, और जो हमारा अमाउंट लगा था दैट वाज अराउंड 300 baht फॉर 3 पीपल, क्योंकि हम 3 बंदे ही थे. एंड अगर मैं इसकी एंट्री फीस की बात करूं, सो एंट्री फीस जो है दैट इज़ 100 baht पर पर्सन फॉर फॉरनर्स. एंड ऑल्सो जब आप लोग वहाँ पे टिकट के पैसे देते हैं, जब आपको टिकट देते हैं वो लोग, तो टिकट के साथ एज अ स्वीट जेस्टर एंड एज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आप लोग हाइड्रेटेड रहे, इसके लिए वो आपको एक पानी की बॉटल भी फ्री देते हैं कि इतनी गर्मी में घूम रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख लो. सो दैट इज़ अबाउट वाटर. एंड ऑल्सो अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं थोड़ा सा चीपर थिंग चीपर फेयर पे, तो आप टैक्सी की जगह जो इनकी मेट्रो है वो भी ले सकते हैं. दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 70 to 75 baht पर पर्सन, एंड इट डिपेंड्स आप कौन से स्टेशन पे उतरते हो, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा. वॉट फो की, तो वॉट फो इज एन अनदर बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि रतन कोसन आइलैंड पे पड़ता है, और ये इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज़ नोन एज द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, क्योंकि यहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू है एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है. अगर आप किसी से पूछेंगे व्हाट फॉर, अच्छा रिक्लाइनिंग बुद्धा आपको जाना है तो हम आपको लेके चलते हैं. सो इट्स लाइक दैट. एंड लोग स्पेशली यहाँ पे व्हाट फॉर में रिक्लाइनिंग बुद्धा ही देखने आते हैं. इसकी जो टाइमिंग्स हैं दैट इज फ्रॉम 8 AM टू 6 PM, अगेन सेम टाइम एज वॉट अरुण. इसकी जो एंट्रेंस फीस है ऑफकोर्स इसकी भी सेम है विच इज़ 100 baht पर पर्सन, एंड ये भी आपको एक पानी की बॉटल फ्री में दे ही देते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग वॉट फो जा रहे हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं. तो वॉट फो के लिए वॉट अरुण से फेरी चलती है विच टेक्स अराउंड 5 baht पर पर्सन, अगर आपको सिर्फ उस आइलैंड तक जाना है तो. सो दैट इज अक्रॉस द रिवर. तो अगर आप सिर्फ वॉट फो जाना चाहते हैं तो 5 baht पर पर्सन एक फेरी लेगी जो आपको दूसरे आइलैंड पर उतारेगी, फिर वहां से आप एक टुक टुक कर सकते हैं. या तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप सिर्फ वॉट फो जा सकते हैं, या फिर अलग अलग जगहों का एक वो पैकेज बना के आपको दे देंगे अराउंड इन 80 baht, और 80 to 100 baht लेगा वो. एंड दे जस्ट लाइक वो आपको हर जगह पे लेकर जाएगा जो जो जगहें उस आइलैंड पे फेमस है. तो अगर मैं ग्रैंड पैलेस की बात करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग्स का जो कि बैंकॉक के दिल में बसा हुआ है. ये किंग ऑफ सियाम का एक ऑफिशियल हाउस है, या फिर आप रेजिडेंसी कह लीजिए, सिंस 1782. इसकी जो टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 8:30 to 3:30 PM, और इसमें जो एक्चुअल टाइम लगता है इट टेक्स अराउंड 3 to 4 hours अगर आप पूरा ग्रैंड पैलेस घूमना चाहते हैं तो. एंड अगर मैं इसके एंट्री फीस की बात करूँ तो 500 baht पर पर्सन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू विजिट द स्पेस सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. अगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप एक ऑडियो रेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑडियो भी मिल जाती है. सो दैट इज़ फॉर 200 baht आप जितने में लेना चाहते हैं, और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलेगी. फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, जर्मन में मिल जाएगी, रशियन में मिल जाएगी, जापनीज, स्पैनिश, मैंडेरियन, थाई, आपको हर लैंग्वेज में ऑडियो अवेलेबल होगी. तो आप ज़रूर उसको चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं एंड पूरा ग्रैंड पैलेस घूम सकते हैं. 7th हम लोग बात कर लेते हैं चटुचक मार्केट की, जो कि एक वीकेंड मार्केट है एंड कहा जाता है थाईलैंड की लार्जेस्ट मार्केट है, जो कि जेजे मार्केट के नाम से भी जानी जाती है. और इसके जो डेज है वीकेंड्स ऑफ कोर्स सैटरडे संडे को ही ये खुला रहता है, और इसके जो टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह यानी 12 AM से लेके नेक्स्ट डे 11:59 PM तक. मतलब 12 AM अगर आपका सैटरडे को है तो 11:59 सैटरडे तक ये खुला रहेगा, एंड ऑफकोर्स फॉर सेम फॉर द संडे. पे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स मिलते हैं, यानी कपड़े हो गए या बाकी स्टेशनरी, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं. अगर आप लोग यहाँ पहुँचना चाहते हैं चटुचक मार्केट में तो आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं जो मोचित स्टेशन तक आपको पहुंच जाएगी,
और वहाँ से आप लोगों को एग्जिट करना होगा। उसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट लगता है दैट टेक्स अराउंड 16 baht to 59 baht पर पर्सन और पर जर्नी, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से चल रहे हैं। बाकी आपको जो भी स्काई ट्रेन, जो इनकी ट्रेन है, मेट्रो है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो वहाँ आपको जो चार्ट लगा होता है उस पर आपको अच्छे से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस ही नहीं है, तो आप इजिली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आपका बैंकॉक सैटरडे या संडे में प्लान है तो। सिक्स्थ हम लोग बात कर लेते हैं महाना खॉन स्काई वॉक। ओ गॉड, आई रियली वॉन्टेड टू विजिट दिस प्लेस, लेकिन ये बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बट मैं आपको बताती हूँ महाना खॉन स्काई वॉक क्या। महाना खॉन स्काई वॉक जो है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है जो कि 314 meters पे है बना हुआ, विच ऑफर्स 360 degree व्यू। मतलब आपको पूरे बैंकॉक सिटी का व्यू मिलेगा इफ यू गो टू द स्काई वॉक। तो मतलब व्यू भी नहीं, पैनारोमिक व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। प्लस इसमें आपको दो फायदे हैं कि आप इंडोर, मतलब इंडोर भी देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे फ्लोर पे हैं तो आप अंदर से भी देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर जाके बाहर से भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग्स हैं दैट इज 10 AM to 7 PM। प्लस इसमें आपको एक ग्लास ट्रे एक्सपीरियंस मिलता है, यानी आपको ग्लास ट्रे नीचे मिल जाती है जिससे आप बिल्कुल नीचे का जो व्यू है वो इंजॉय कर सकते हैं। प्लस आपको 360 degree व्यू तो मिल ही रहा है। इसकी जो टिकट्स हैं दैट इज 750 baht पर पर्सन अगर आप एडल्ट हैं, और अगर चिल्ड्रेन हैं तो दैट इज 250 baht पर पर्सन। फिफ्थ हम लोग बात कर लेते हैं सफारी वर्ल्ड की, जो है वो एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है बैंकॉक में, जो कि कंसिस्ट करता है मरीन पार्क और सफारी पार्क को। और ये ओपन किया गया था 1988 में, और जिसकी टिकट्स जो है वो 3 categories में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी सफारी पार्क, दूसरी आती है हमारी मरीन पार्क, और तीसरा आता है दोनों को कंबाइन करके सफारी प्लस मरीन पार्क। सबसे पहले बात करूँ सफारी पार्क की, तो एडल्ट की जो फीस है दैट इज 827 baht पर एडल्ट, और अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ तो इट इज 727 baht पर चाइल्ड। अगर मैं बात करूँ मरीन पार्क की, तो इसमें एडल्ट की जो टिकट है दैट इज 947 baht पर एडल्ट, और अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ तो इट इज 887 baht पर चाइल्ड। एंड तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूँ सफारी प्लस मरीन पार्क की, तो एडल्ट की जो टिकट है दैट इज फॉर 1027 baht पर एडल्ट, और चिल्ड्रन 907 baht पर चाइल्ड। फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं विक्टोरिया मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 1941, जिसके टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। टिकट्स जो हैं वो एडल्ट की है 990 baht पर एडल्ट, और चिल्ड्रन की है 790 baht पर चाइल्ड। अगर आप लोग बाय बस जाना प्रेफर करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 35 to 45 baht पर पर्सन। बट विल टॉक अबाउट फ्लोटिंग मार्केट, तो फ्लोटिंग मार्केट तो थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चाहे आप बैंकॉक में देख लीजिए, पटाया में देख लीजिए, सो इट विल हार्डली मेक अ डिफरेंस। बट अगर आप सच में बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट देखना चाहते हैं तो इसमें आपको थाई कल्चर में इमर्स करने को मिलेगा, यानी थाई कल्चर से जुड़ने को मिलेगा। और ये जो है इसमें बहुत सारी फ्लोटिंग मार्केट्स हैं, लेकिन बेस्ट फ्लोटिंग मार्केट की बात करूं सो दैट इज खिलोंग लैट मेयोन। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगी, आप प्लीज उसको रेफर कर लीजिएगा। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, इसका नाम बिल्कुल थाई में लिखा है। अगर आप लोग इस फ्लोटिंग मार्केट में पहुंचना चाहते हैं तो आप लोग एक स्काई ट्रेन ले सकते हैं, BTS स्काई ट्रेन, जो बैंग वा तक लेकर जाएगी आपको। एंड जो टैक्सी होगी दैट विल टेक अराउंड 200 baht एक साइड का। इसके जो टाइमिंग्स हैं दैट इज 7 AM to 5 PM, एंड अगेन इट्स अ वीकेंड मार्केट, तो आप वीकेंड पे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज सैटरडे एंड संडे।
अगर आप लोग टैलिंग शैन फ्लोटिंग मार्केट जाना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अनदर बिगेस्ट फ्लोटिंग मार्केट, जिसके जो टाइमिंग्स हैं दैट इज 8 AM टू 6 PM ऑफकोर्स अगेन सैटरडे एंड संडे, एंड इसमें जो बोट के चार्जेस होते हैं दैट इज 100 baht. अब सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं, सो सी लाइफ की बात करी जाए, सो इट्स एन एक्वेरियम विच इज लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा सी लाइफ है यहाँ पे, जो कि ओपन किया गया था 9 दिसंबर 2005 में. इसकी जो टिकट्स हैं वो 990 baht पर एडल्ट है, एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स 790 baht पर चाइल्ड. आई विल रिकमेंड कि आप इसकी जो टिकट्स हैं वो एडवांस में ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जब जाएं उस टाइम पे आपको मिले ना टिकट्स, तो एक दिन पहले ही एडवांस में बुकिंग कर लीजिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर फर्स्ट प्लेस विच इज वॉट ट्रेनेट. बात करूँ तो ये एक टेम्पल है गोल्डन बुद्धा का, जो कि एक स्टैचू है बुद्धा जी का, जिनको गोल्ड कलर से बनाया गया है, गोल्डन प्लेटेड है, और उस बुद्धा स्टैचू का जो वेट है दैट इज 5.5 tons. इसकी जो टाइमिंग्स हैं दैट इज अराउंड 8 AM टू 5 PM, एंड एंट्री फीस की बात करूँ सो दैट इज 100 baht फॉर दिस म्यूजियम. ऑल्सो अगर आप लोग बुद्धा का स्टैचू देखना चाहते हैं तो दैट कॉस्ट यू एक्स्ट्रा 40 rupees, सो वी कैन से 140 rupees पर 140 baht पर पर्सन इफ यू आर विजिटिंग वॉट ट्रेनेट. तो आई गेस मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है. एंड बैंकॉक में हम लोगों ने इतनी चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि जिस दिन हम लोग पहुँचे थे, एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा डिड नॉट स्लीप फॉर अराउंड 36 hours, सो वी प्रेफर्ड वी हैड अ लंच एंड वी जस्ट वेंट फॉर स्लीप. तो हम लोगों ने पहला दिन ऐसे निकाले था, एंड ऑल्सो हमें बैंकॉक में बारिश बहुत मिली थी, बी इट बैंकॉक, फुके एंड क्राबी, हर जगह पे हमें बारिश मिली थी. तो दैट वॉज द मेजर ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जगहें नहीं देख पाए. बट आई मेड श्योर, एंड अभी मैं ये प्लेसेस टू विजिट की वीडियो बनाऊंगी फॉर दिस थाईलैंड सीरीज, मैं आप लोगों को हर एटलीस्ट टॉप 10 प्लेसेस तो दे सकूँ, ताकि आप लोग जब भी विजिट करें तो आप ज़रूर विजिट कर सकें उन जगहों पर. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन बजा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले पता चल सके. एंड ऑल्सो जो भी अपना बैंकॉक जाने का प्लान कर रहे हैं आप, ये उसके साथ वीडियो शेयर करना, ताकि उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाए, ये यूज़फुल वीडियो हो जाए. और बस इस वीडियो में इतना ही था. अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिस होटल में हम लोग पटाया यानी पत्या में रुके थे, वो कौन सा होटल था, और उस पर मैं रिव्यू बनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल. तो या एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर.